हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कॉर्सर के 95 प्लेटिनम आरजीबी मैकेनिकल कीबोर्ड की, जो कि बेस्ड है चेरी एमएक्स स्पीड कीज पे। और जो मैकेनिकल स्विच है इनका और जो इनकी स्पीड है, जो ट्रेवल टाइम है एक बटन का, वो कितना कम है और कितना उस पर हमें फोर्स वो लगाना पड़ेगा जो की है वो कम्प्लीटली प्रेस हो जाए, उसके बारे में। उसके अलावा जो इसकी आरजीबी सेटिंग है, किस प्रकार की इसकी आरजीबी लाइटिंग दी गई है, उसके बारे में। और कॉर्सर का जो आईक्यू ऐप है, उससे हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें हैं वो इसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये है अपना कॉर्सर K95 RGB प्लेटिनम मैकेनिकल कीबोर्ड। और जो फ्रेम है वो है एल्यूमिनियम की। तो जो इसका वेट है वो है काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं इसको उठाऊं तो इसमें मेरे हिसाब से 3-4 किलो के आसपास वेट है। बुक्स काफ़ी है भारी। उसके अलावा हमें यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें चेरी MX के जो स्पीड RGB कीज़ है वो मिल जाती हैं। साथ में ऊपर की तरफ मिल जाता है कॉर्सर का लोगो और फिर हमें मिल जाती है ये एक कीबोर्ड की लेआउट। अगर हम हाईलाइट की अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो हाईलाइट है वो है USB पास थ्रू पोर्ट की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमें अगर देखें तो एयरक्राफ्ट ग्रेड है वो एल्यूमिनियम फ्रेम है वो यूज़ की गई है इसके अंदर, जो कि काफ़ी प्रीमियम बनाती है इसी को। और यही मेन वजह है इसकी कि जो इसकी प्राइस है वो इतनी ज़्यादा है। उसके अलावा कॉर्सर यूटिलिटी इंजन, जो कॉर्सर की IQ ऐप है, वो हम इससे पूरा इसका जो ये RGB कंट्रोल है, ये कीबोर्ड की लाइटिंग वगैरह, इसके इफेक्ट वगैरह, मैक्रो कीज़ वगैरह सारा कुछ है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा 100% एंटी घोस्टिंग विथ फुल की रोलर मिल जाता है। और जो ये पाम रेस्ट है, ये इसकी जो क्वालिटी है वो है काफ़ी शानदार। और ये डिटेचेबल है, सबसे अच्छी बात कॉर्सर में यही आती है कि ये हमें डिटेचेबल मिल जाता है। बाकी अगर लॉजिटेक वगैरह की बात करें तो उनमें ये ऑटोमेटिक है, मतलब लगा हुआ फिक्स्ड मिलता है, डिटेचेबल नहीं होता है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। उसके अलावा यहाँ हमें चेरी MX के जो स्विच हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ मैक्रो जो की है 6 प्रोग्रामेबल की हैं, उनके बारे में हाईलाइट की गई हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है 8 MB का प्रोफाइल स्टोरेज कीबोर्ड के अंदर है। वो 8 MB का हमें स्टोरेज मिलता है प्रोफाइल अपना बनाने के लिए और सेव करने के लिए। उसके अलावा डायनेमिक मल्टी कलर पर की बैक लाइटिंग मिलती है हमें, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हर की जो लाइट है वो चेंज हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब करते हैं हम इसकी जो सील है वो ब्रेक, और वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। तो हम करते हैं इसको ओपन, और ओपन करने के बाद में हम देखते हैं तो इसके अंदर एक बॉक्स और निकलता है। ये मिलता है हमें बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, और हम इसको करते हैं ओपन। और इसको ओपन करते ही यहाँ हमें मिल जाती है हमारी मेन कीबोर्ड चमचमाती हुई, और हम इसको निकालते हैं बाहर। और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा वेट है इसके अंदर। इसके साथ ही हमें इसकी एक केबल मिल जाती है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर है वो हमें और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ ये एक सेक्शन है वही टिपिकल कॉर्सर स्टाइल में येलो कलर में। तो इसके अंदर अगर हम देखें, ये मिलते हैं हमें कुछ एक्स्ट्रा स्विच, और ये काम आते हैं हमें जो अलग है वो दिखाने के लिए, ताकि हम जैसे भी कोई भी गेम खेल रहे हैं उसके शॉर्टकट्स के लिए ये कीज़ हैं वो अलग से लगा सकते हैं, ताकि इनका इंडिकेटिंग है वो अलग से हो सके और ईजिली हमें ये कीबोर्ड पे है वो शो हो सकें। तो ये है एक्स्ट्रा बटन्स, और इनको रखते हैं हम साइड में। उसके अलावा हमें यहाँ मिल जाती है ये एक इसकी बुकलेट, और नीचे नीचे मिल जाती है वारंटी गाइड। तो इनका हमारे कोई ख़ास काम है नहीं। और उसके अलावा हम देखते हैं इसमें और क्या हमें मिलता है। ये सेक्शन है वो भी काफ़ी भारी है, और ये वाला सेक्शन है वो खाली है। तो इसको रखते हैं हम साइड में और आते हैं इस सेक्शन पे, और इसको करते हैं हम ओपन। और इस सेक्शन के अंदर केवल ये एक पाम रेस्ट दिया गया है, और पाम रेस्ट है वो मैं देखता हूँ, ओपन करते हैं इसको, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इसके अंदर वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम है, एकदम मतलब मस्त क्वालिटी है, और सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से है वो प्रेस हो रहा है। ये इसका बैक साइड है, और यहाँ 3 जगह है वो रबड़ लगा हुआ है, ताकि जो कीबोर्ड है ये कीबोर्ड के लॉक है, यहाँ से कीबोर्ड के अंदर ये लॉक्ड हो जाएगा, और उसके बाद में जो ये रबड़ है ये एकदम सरफेस पे एकदम टाइट रहेगा, ताकि कीबोर्ड है वो बिल्कुल भी
हिलेना और स्मूथली हम काम कर सकें। लेकिन इसके जो अगर हम वेट की बात करें तो वाकई में इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 500 ग्राम के आसपास कम से कम इसका वेट ज़रूर है। अब आते हैं हम अपनी मेन कीबोर्ड पे। ये है अपनी मेन कीबोर्ड और कीबोर्ड का प्लास्टिक है वो सबसे पहले हम रिमूव करते हैं। यहाँ हमें ये दो केबल्स हैं वो मिल जाती हैं इसको पावर देने के लिए, और जो ये केबल की जो मोटाई है वो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मोटी है, ये मेरी अंगुली से बिल्कुल थोड़ी सी पतली है। और यहाँ ये डबल साइडेड है वो मिलती है हमें USB पोर्ट, और ये है काफ़ी पावरफुल और केबल है वो वाकई में काफ़ी शानदार है, मतलब इतनी अच्छी केबल मैंने कीबोर्ड की आज तक कभी देखी नहीं है, और काफ़ी लंबी केबल है ये, इतनी लंबी केबल मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। और ये जो डबल डबल पावर वाला सिस्टम है ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसी कीबोर्ड के अंदर। उसके अलावा हम अगर बात करें तो इसको रखते हैं हम एक बार साइड में करते हैं इस केबल को, और केबल की जो मोटाई है वो आप देख सकते हो काफ़ी शानदार है। कैप्स लॉक है अपना वो यहाँ से निकला हुआ है, हो सकता है ट्रेवलिंग में निकल गया हो तो काफ़ी अच्छी बात है, ये निकला हुआ है तो हम स्विच हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि ये इसका स्विच है, ये इनकी साउंड है, और जो ट्रेवल टाइम है इनका स्विच का वो काफ़ी कम है, क्योंकि ट्रेवल टाइम है वो बिल्कुल ही कम है तो इतना मज़ा है वो नहीं आता है जैसा कि एक नॉर्मल कीबोर्ड होती है जिसमें ज़्यादा टक टक की आवाज़ आती है उसमें होता है, लेकिन ये फास्ट है वो काम करती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ज़्यादा है वो बटन है वो ज़्यादा प्रेस होता नहीं है। अगर मैं बटन की आपको बात करूँ तो आपको मैं बटन है वो यहाँ से दिखाता हूँ, जैसे ये बटन है तो इसको हम प्रेस किया और ये बिल्कुल इतना डाउन तक जा रहा है। अब बात करते हैं हम अपने इस स्विच के बारे में, तो ये जो स्विच है ये आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो ये है चेरी MX स्पीड RGB स्विच, जो कि हर स्विच के अंदर अलग से है वो RGB आता है, तो ये है इसका मेन स्विच और काफ़ी शानदार है। अगर अब हम बात करें इसके मैक्रो कीज़ की, तो यहाँ हमें मिल जाता है ये एक मैक्रो कीज़, इन 6 कीज़ हैं उनको सेट करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। उसके अलावा ये बैकलिट की है जो यहाँ की ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा करने के लिए 3 टाइप के मोड मिल जाते हैं, और इस की से हो जाता है विंडोज़ की है वो लॉक, और डबल विंडोज़ की है वो इसके अंदर दिए गए हैं हमें। उसके अलावा यहाँ कोर्सर का लोगो है और ये भी RGB के साथ में आता है। यहाँ न्यूमेरिकल लॉक वगैरह सारों के इंडिकेटर मिलते हैं, और यहाँ मिलते हैं हमें मल्टीमीडिया कीज, वॉल्यूम के लिए मिल जाता है हमें ये एक शानदार स्क्रोलर, और स्क्रोलर मैं आपको दिखाता हूँ, और स्क्रोलर है वो है काफ़ी शानदार एकदम मस्त। उसके अलावा यहाँ मिल जाता है म्यूट की, और यहाँ सारे मल्टीमीडिया की, और बाकी इधर मिल जाते हैं न्यूमेरिक की वगैरह सारी चीज़ें। अब करते हैं हम इसको PC से कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सारी डिटेल्स, तो देखिए आप वीडियो को आगे, और अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो ये है अपनी Corsair K95 और हमने कर लिया है इसको कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद में जो RGB लाइटिंग है वो आप देख सकते हो, उसके अलावा यहाँ जो RGB लाइटिंग है वो आप देख सकते हो, इससे हम ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा है वो कर सकते हैं आराम से, और उसके अलावा यहाँ जो अपनी कैप्स लॉक वगैरह है वो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, न्यूमेरिक लॉक वगैरह, और ये अपना वॉल्यूम स्क्रोलर है, डिस्प्ले पे आप देख सकते हो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा आराम से हो रही है इसको स्क्रोल करने के साथ साथ में। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कीबोर्ड्स की लाइटिंग की, तो लाइटिंग है वो है काफ़ी शानदार, और कीबोर्ड की जो साउंड है वो आप सुन सकते हो एकदम शानदार साउंड है, चाहे ये इनकी साउंड हो चाहे इनकी हो, चाहे फिर ये जो की है ये एकदम मेम्ब्रेन नॉर्मल की दी गई है, ये वाली और ये वाली, बाकी जो पूरी फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की है, मतलब A1 एल्यूमिनियम है वो यूज़ किया गया है, यही वजह है इसकी कि इसकी जो प्राइस है वो 17-18-19 हज़ार तक जाती है। अब बात करते हैं हम अपने इसके ICU ऐप की, तो ये हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद में इसमें हम देखते हैं कि ये अपनी कीबोर्ड है वो दिखाई दे रही है। अब लाइटिंग इफेक्ट में आते हैं, लाइटिंग इफेक्ट में आने के बाद में हम देखते हैं जो लाइटिंग है वो है कलर वेब, जो कि नॉर्मल है एकदम K55 की तरह, और अप डाउन राइट, जैसे ही हमने इसको अप किया तो जो RGB है वो अप साइड में है वो जाएगी, और अगर इसको हम पहले की तरह राइट करते हैं तो ठीक है। अब आते हैं स्पायरल रेनबो में, तो जो कलर है वो आप देख सकते हो चेंज हो रहा है। उसके अलावा कलर पल्स में कर दें तो ये एक बार ब्लिंक करेगा, बार बार है वो धीरे धीरे है ब्लिंक करेगा। उसके अलावा कलर है वो रेंडम है, हम अल्टरनेट भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें सिर्फ यही कलर है वही चाहिए। उसके अलावा हम रेन का है तो रेन वाला इस तरीके से है, वो भी RGB इफेक्ट है वो बन सकता है, और काफ़ी शानदार है वो देखने में लगता है।
उसके अलावा सबसे जो अच्छा फीचर लगा मुझे इसमें लाइटिंग का, वो है टच वाला, वो है टच वाला। जैसे ही हमने टच किया तो टच करते ही इस तरीके, फिर से जैसे ही हमने टच किया टच करते ही आप देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है। टच किया, टच करते ही जा रहा है, जहाँ से चालू किया वहीं से ख़त्म हो रहा है। तो ये फीचर है, ये जो लाइटिंग इफेक्ट है ये मुझे काफ़ी शानदार लगा। उसके अलावा वॉइड वाला है और वॉइड के बाद में वाटर कलर वाला है, तो वाटर कलर है वो भी कुछ इस हिसाब से है, वो काम करता है जैसे ही हमने एक की प्रेस की चारों तरफ से वो फैल जाता है। तो फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं अपना रेनबो वेव और यही है इसकी। उसके अलावा अगर हार्डवेयर एक्शन है वो भी हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं, अगर हमें कुछ भी इसके अंदर न्यू है वो क्रिएट करना है। और लाइटिंग है वो भी हम अलग से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में हम इसको आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये हम पूरे तरीके से इसको कस्टमाइज वो कर सकते हैं। और ऑन बोर्ड प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल हम इस तरीके से इसमें बना सकते हैं। तो ये है इसका ICU ऐप का सिस्टम। आई होप आपको ये जो सिस्टम है, ये वीडियो है मैं बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग रहा है इसके अंदर, पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस यही था इस कीबोर्ड का हिसाब किताब। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो वहाँ से इसको चेकआउट वो कर सकते हैं। और ये मैंने ऐड किया है अपने PC के अंदर। तो बस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।